बजट में सबसे बड़ा आवंटन रक्षा के क्षेत्र में होता है, जिसको बजट 2022 में और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। आधुनिक तकनीक, हथियारों और एयरक्राफ्ट को लेकर भी सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। बाईस के आम बजट में वित्त मंत्री से डिफेंस सेक्टर को भी बड़ी उम्मीद है। माना जा रहा है कि साल के बजट में पहली बार डिफेंस सेक्टर को 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन हो सकता है। मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा पर खर्च लगातार बढ़ा है। 2014 में देश का रक्षा बजट 2,29,000 करोड़ रुपए का था। वहीं पिछले साल पेश बजट में डिफेंस के लिए 4,78,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जहां एक ओर मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत का रक्षा बजट दोगुनों से भी ज्यादा हो चुका है, वहीं इस बार इसे 5 लाख करोड़ तक बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और गति देने के लिए ज्यादा फंड की मांग हो रही है। वहीं चीन से तनाव के बीच आधुनिक हथियारों की खरीद पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आधुनिक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर की जरूरत पर ध्यान दिया जाए और ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का भी 2022 के बजट में इंतजार है। इसके साथ ही हथियारों के उत्पादन के लिए विशेष PLI स्कीम और डिफेंस में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नई कंपनियों को टैक्स छूट के साथ साथ कच्चे माल पर भी GST में छूट का डिफेंस सेक्टर को उम्मीद है। दुश्मन देशों के साथ सीमा पर बढ़े तनाव को देखते हुए रक्षा के मामले में भारत को अपनी स्थिति में काफी सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए हथियारों के आयात को कम करने और देश में मेक इन इंडिया के तहत अत्याधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमानों के उत्पादन पर जोर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।